स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में और स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर भी। और बात करते हैं कि अपडेट क्या है। अपडेट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने का। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। रीजन इसका ये है कि 12th के बाद बहुत लोग चाहते हैं कि वो DU से कुछ कोर्सेज करें, और फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, बहुत जो दूर दूर रहते हैं, एक तो रहने की प्रॉब्लम कि DU में एडमिशन लेने के बाद जो चार्जेस होगा कहीं रहेंगे, या फिर सीधी बात है अगर बाहर अगर आदमी आया तो ठीक है, कुछ चीज़ फ्री भी है, स्कॉलरशिप भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपके रहने खाने का तो खर्चा बढ़ ही जाता है। 5 से 6 हज़ार रुपये तो आपका खर्च होना ही होना है, ठीक है। तो वो दूसरा आने जाने का, ठीक है, घर से दूर रहने का, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब DU ने डिसाइड किया है कि अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा तो इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो UGC इसमें एग्री हो गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये ऑनलाइन कोर्सेज करवा सकता है। UGC की हेल्प से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से कुछ कोर्सेज किए जा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने पहले से डिस्कस कर लिया कि जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं, वो तो दूर दूर से आते हैं कोर्सेज करना, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो अब वो नहीं होगी, वो घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। दूसरा, कौन कौन से कोर्सेज अभी स्टार्ट हुए हैं, हो सकता है फ्यूचर में और भी कोर्सेज स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी जो न्यूज में आ रहा है वो कौन कौन से कोर्सेज, उनकी अगर मैं बात करूँ तो एक तो ये है कि BA ऑनर्स आप कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से, BA इंग्लिश से ऑनर्स कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCOM कर सकते हैं और BCOM ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये 5 कोर्सेस आप अभी अब कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये तो आने वाली अपडेट में मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो लाइक जरूर कर दें। दूसरा, कोई भी अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, और किस तरीके से अप्लाई करना है वो सब कुछ आपको बताता रहूंगा। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।